वेलकम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं बताने वाला हूँ कि ट्रिपल सी का कोर्स बदल गया है। ट्रिपल सी का जो कोर्स है अब नया आ गया है और ये नया कोर्स अब लागू हो गया। नया कोर्स आए तो काफ़ी समय हो चुका है इसको, लेकिन इसे अप्लाई कर दिया गया। ये 1 अप्रैल को स्टार्ट किया गया था, इस समय ये लागू कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन रिकॉर्डिंग रिवाइज सिलेबस DLCA कोर्स ACC BCC NCC फॉर टीचिंग 1 जून, यानी 1 तारीख से स्टार्ट कर दिया गया है। अब आपका जो एग्ज़ाम होगा यानी कि अगस्त में, यहाँ पे देखिएगा कि आपका एग्ज़ाम दिया गया है, एडमिट कार्ड। अच्छा, ये तो दूसरी चीज़ दी गई है। जब आपका आगे का एग्ज़ाम होगा वो अब आपके इसी सिलेबस पर होगा। अगस्त का जो एग्ज़ाम आपका है इसी सिलेबस पर होगा। तो ये आपसे बात करते हैं कि कौन सा सिलेबस दिया गया है और उन्हें थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। जो देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जो दिया हुआ है हमारा, ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है ACC BCC और CC के लिए। तो ACC के लिए जो सिलेबस दिया गया है वो ये दिया गया है, 20 घंटे का ये कोर्स है टोटल। इसमें कोई खास ज़्यादा बदलाव नहीं है फिलहाल के लिए। पहला चैप्टर जो दिया हुआ है इसमें, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो ये बेसिक है, वैसे ही है, पहले जैसा ही, कोई खास बदलाव नहीं इसमें है, पहले जैसा ही चैप्टर है इसमें। दूसरा चैप्टर भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है, तो ये लगभग पुराने जैसा ही है। चैप्टर नंबर 3 भी लगभग पुराने जैसा है। इसमें अंतर क्या किया गया है कि 2010 कर दिया गया है। अब जो आएगा क्वेश्चन वो 2010 से आएगा, 2003 या 2007 से क्वेश्चन अब नहीं आएंगे, 10 से आएगा या 13 से आएगा, ठीक है ना। एक्चुअल में सबसे बड़ी जो इसमें चेंजिंग की गई है वो आपको समझनी ये है, सबसे बड़ी चेंजिंग की गई है। तो वो चेंजिंग ये है कि MS ऑफिस अब कर दिया गया है 2010 और 13, सबसे बड़ा जो बिग चेंजिंग है ये हुआ है, ठीक है ना। अभी तक आप लोग पढ़ते थे कौन सा, ये न्यू है। ओल्ड जो आप लोग पढ़ते थे वो पढ़ते थे आप लोग MS ऑफिस 2003 और 2007, ठीक है। तो अब यहाँ से हटा दिया गया। एक्चुअल में ये काफ़ी पहले से बैन भी है, ड्रैग से चला रहा था ये, गलत कर रहा था, लेकिन अब ये चीज़ खैर सही हो गई है। तो इसके बाद में बात करेंगे। अगला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, ये भी पुराना ही चैप्टर है, कोई नया परिवर्तन नहीं हुआ इसमें भी। और चैप्टर नंबर है वर्किंग विद ईमेल, ये भी पुराना ही चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 है अंडरस्टैंडिंग, ये चैप्टर आपके लिए नया आया हुआ है इसमें। फाइनेंस लिटरेसी एंड ई सर्विसेस, ये चैप्टर आपका नया आ गया है इसके अंतर्गत जो है। तो ये 6 नंबर जो चैप्टर इसका है यही आपका नया आया है। इसमें क्या पढ़ना है, तो गेट नोन ऑफ इंटरनेट बैंकिंग मोड्स, यानी कि बैंकिंग क्या है, इंटरनेट की बैंकिंग क्या है। फैमिलियर विद ऑनलाइन बिल पेमेंट्स है एंड अवेलेबल ऑनलाइन ई सर्विसेस के बारे में जानना है। ई वॉलेट क्या है, POS क्या है। तो अगर आप लोग ट्रिपल सी पढ़ेंगे तो ट्रिपल सी में भी सब चीज़ें दी गई, तो आपको ट्रिपल सी से सब पता चल जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे अगला कोर्स जो हमारा ट्रिपल सी का है, कोर्स ऑफ ट्रिपल सी में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, आइए देखते हैं। कोई खास बदलाव नहीं हुआ, 80 आवर्स का पहले भी था, अभी भी 80 आवर्स का ही है। नंबर 1 चैप्टर है तो वही है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, पहले इसका नाम हुआ करता था चैप्टर का, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है ना। तो ये अभी भी वही है, चैप्टर में कोई नाम में परिवर्तन नहीं किया गया है, पहला चैप्टर सेम है। अब सेकेंड चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, चैप्टर वही है पुराना, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नाम था, अब इसका नाम कर दिया इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना होगा पूरा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ये भी चैप्टर पुराना है। MS Word ये भी 2010 कर दिया गया है, बाकी और कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चीज़ें सब कुछ वही है। स्प्रेडशीट ये भी पुराने चैप्टर है, जो आप पहले पढ़ते थे अब भी वही पढ़ेंगे आप लोग। चैप्टर 5 भी वही है, चैप्टर 6 आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, ये भी लगभग वही है पूरा, कोई परिवर्तन नहीं है इसमें भी। चैप्टर नंबर 7 ईमेल सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज, ये चैप्टर नंबर बदल दिया गया है, पहले इसकी जगह पे क्या होता था कम्युनिकेशन एंड कोलाबरेशन, तो ये चैप्टर चेंज कर दिया गया है यहाँ पे। अब इसके बाद में क्या था, डिजिटल फाइनेंस
पहले इसका नाम हुआ करता था एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज, अब इसका नाम कर दिया डिजिटल फाइनेंस टूल्स एंड एप्लीकेशंस। तो चीजें थोड़ी बहुत नई आ गई इसके अंतर्गत जो है, ठीक है ना। जैसे पुराने वाले चैप्टर्स में कुछ चीजें नई थी इस बार, लेकिन नए चैप्टर्स में आपको शामिल कर दी गई है आने वाले चैप्टर्स में। और ये चैप्टर जो आपका है ये नया इंट्रोड्यूस किया है IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटीज। तो जो बड़ा चैप्टर अगर कहें तो वो केवल 9 नंबर चैप्टर बढ़ गया है, बाकी लगभग पुराना ही चैप्टर है, ठीक है। तो उसी लैंग्वेज में मोस्टली यही चीजें आपको इंट्रोड्यूस हुई है नया, बाकी सारी चीजें वही है। हाँ, जब इन्होंने लॉन्च किया था अप्रैल में तब थोड़ा बहुत चेंजेस था, अब इस बार थोड़ा और सुधार करके दिया जाए कोर्स को। तो ये चैप्टर्स थे जाए, आइए अगला जो चैप्टर हमारा है ACC के लिए हमने देख लिया है। अब जो नया चेंजिंग हुआ है और वो है हमारा BCC के लिए। तो BCC के लिए भी कोई खास बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं किया इन्होंने है, पहले भी इतने यार का था, वही चीजें हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें भी है, वर्ड प्रोसेसिंग भी इसमें भी है, सेपरेट शीट मतलब एक्सेल शीट वही है। जो लास्ट चैप्टर वाला है यहाँ पे ईमेल सोशल नेटवर्किंग, यह चैप्टर इसमें इंट्रोड्यूस नया किया गया है और कोई चैप्टर परिवर्तन नहीं किया गया है। डिजिटल फाइनेंस टूल एंड एप्लीकेशन ये आपका चैप्टर बढ़ा दिया गया है, तो और कोई विशेष चेंजिंग इसमें भी नहीं की गई है, बस ये दो चैप्टर लास्ट के आपके अपडेट कर दिए गए हैं। तो कोई बहुत विशेष परिवर्तन नहीं हुए हैं, चीजें लगभग पुरानी ही है। अब ये है कि जो क्वेश्चन आएंगे नए वाले वो क्वेश्चन थोड़े से आपकी इजी आएंगे अभी कुछ समय के लिए, लेकिन बाकी समय में आपको क्वेश्चंस पुराने मिलेंगे। तो जो नोटिफिकेशन में आया हुआ था कि आपको यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चेंजिंग हुआ है, और बहुत परेशान होने कोई जरूरत नहीं है, बस केवल एक ही दो चैप्टर चेंज हुए हैं, बाकी पेपर से लगभग पुराना ही है। और चाहे कोई भी चैप्टर हो लगभग सभी में एक ही चीज चेंज की गई है, और वो है इंटरनेट सिक्योरिटीज और IoT और ई गवर्नेंस, ये चार पाँच चीजें चेंज।